आज तारीख हो चुकी है 19 मई। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, आती है बीसीसीआई की तरफ से। दरअसल बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 के एडिशन को लेकर, यानी अगले आईपीएल एडिशन को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। बीसीसीआई ने बता दिया कि अगले आईपीएल एडिशन में हमें दोपहर का मुकाबला शाम 4 बजे से देखने को मिलेगा, जबकि रात का मुकाबला 8 बजे से हमें देखने को मिलेगा। इस साल यहां पर आईपीएल में या फिर पिछले 2 सालों से हमें आईपीएल के मुकाबले दोपहर का मुकाबला 3:30 बजे, जबकि रात का मुकाबला हमें 7:30 बजे से देखने को मिलता है। लेकिन बीसीसीआई ने अब आईपीएल के नए ब्रॉडकास्टर को बता दिया है। आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग का ऑक्शन अगले महीने में होगा, तो बीसीसीआई ने जिन जिन ने यहां पर ब्रॉडकास्टर बनने के लिए यहां पर फॉर्म फिल किए, उन सभी को बीसीसीआई ने बता दिया है कि यहां पर 4 बजे और 8 बजे वाली अगले आईपीएल एडिशन से अब टाइमिंग रहेगी, और डबल हेडर्स को भी काफी कम कर दिए जाएंगे। केवल संडे के दिन हमें डबल हेडर देखने को मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग बीसीसीआई का ये सही डिसीजन है। फिर नहीं, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो ये दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो थी कोलकाता की तरफ से। दरअसल कल रात कोलकाता को मिली हार के बाद कोलकाता की टीम ऑफिशियली आईपीएल 2022 के एडिशन से या फिर प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी है। कुल मिलाकर इस टीम की आईपीएल की शुरुआत काफी खराब रही थी, लेकिन बीच और अंतिम के मुकाबलों में यहां पर इस टीम का काफी खराब प्रदर्शन रहा था। इसी वजह से ये टीम अब यहां पर मुंबई चेन्नई के बाद तीसरी टीम बन चुकी है जो कि प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही लखनऊ की टीम अब गुजरात के बाद प्लेऑफ में ऑफिशियली जाने वाली दूसरी टीम बन चुकी है। तो यहाँ पर कोलकाता का इस साल का सफर समाप्त हो चुका है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कोलकाता को आखिर अगले आईपीएल एडिशन में क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट के साथ इस टीम को स्टार्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती मिनी आईपीएल को लेकर। दरअसल बीसीसीआई अब आईपीएल के बाद एक मिनी आईपीएल कराने की प्लानिंग में। दरअसल बीसीसीआई का प्लान है कि इस आईपीएल एडिशन में जो टीमें प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी उन 4 टीमों को लेकर, और 2 ऑस्ट्रेलिया की टीमें, 2 न्यूजीलैंड की टीमें, 2 इंग्लैंड की टीमें और 2 यहां पर अदर लीग की टीमों को, यानी टोटल 12 से 14 टीमें बनाकर उन टीमों के बीच एक मिनी आईपीएल टूर्नामेंट कराया जाए। और यहां पर जिस तरीके से एक समय में हमें यहां पर चैंपियंस लीग देखने को मिलती थी, उस तरीके से अब मिनी आईपीएल कराने का हाल फिलहाल में बीसीसीआई का प्लान है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये प्लान आने वाले समय में आखिर सक्सेसफुल हो पाता है या फिर नहीं। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग बीसीसीआई को आखिर आईपीएल में यहां पर मिनी आईपीएल इंट्रोड्यूस करना चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है आज होने वाले आईपीएल के मुकाबले को लेकर। दरअसल आज आरसीबी और गुजरात के बीच काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग आईपीएल का मुकाबला होगा। कुल मिलाकर आरसीबी के लिए डोर डाई मुकाबला रहेगा। आरसीबी की टीम चाहेगी कि आज का मुकाबला जीत कर अपनी प्लेऑफ्स के लिए दावेदारी पेश कर दे। आज का मुकाबला जीतने के बाद भी आरसीबी को मुंबई की टीम पर निर्भर रहना होगा। आरसीबी की टीम को दुआ करनी होगी कि 21 तारीख को मुंबई की टीम दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे, ताकि आरसीबी की टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई हो जाए। कुल मिलाकर आरसीबी की टीम के लिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट आज का मुकाबला, ना सिर्फ आज का मुकाबला बल्कि मुंबई दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला भी इस टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर यहां पर आरसीबी की टीम यहां पर आज मुकाबला जीत पाएगी या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है हैदराबाद के प्लेऑफ सिनेरियो को लेकर। दरअसल हैदराबाद की टीम को अब भी प्लेऑफ में जाने के लिए यहां पर दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा, जहां पर आज होने वाले गुजरात और आरसीबी के मुकाबले में अगर आरसीबी जीतती है तो ही यहां पर हैदराबाद की प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें बरकरार रहेगी। इसके साथ ही मुंबई दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले में मुंबई की टीम को कम से कम 75 रन से मुकाबला जीतना होगा। इसके साथ ही हैदराबाद और पंजाब के मुकाबले में हैदराबाद की टीम को भी 75 रन से मुकाबला जीतना होगा, तभी हैदराबाद की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई हो पाएगी। कुल मिलाकर यहां पर हैदराबाद का करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग प्लेऑफ में जाना थोड़ा या फिर काफी अधिक मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस टीम को मुंबई और आरसीबी पर निर्भर रहना है। इसके साथ ही मुंबई को 75 रन से मुकाबला जीतना है, जो कि काफी मुश्किल लग रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हैदराबाद की टीम का भी अब इस टूर्नामेंट में आगे जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। अब यहाँ पर हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स आरसीबी में से एक टीम यहाँ पर क्वालिफाई हो जाए। अब बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की। तो ये छठी बड़ी खबर निकल कर आती है मुंबई इंडियंस की तरफ से। दरअसल मुंबई इंडियंस की टीम को अब यहाँ पर इस साल 10वें नंबर की पोजीशन से हटने के लिए अब इस टीम को भी
यहाँ पर दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा। कुल मिलाकर आईपीएल इतिहास में कभी मुंबई की टीम यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में नंबर 10 पर इस टीम ने कभी फिनिश नहीं किया, तो ये टीम इस साल भी नंबर 10 पर फिनिश करना नहीं चाहेगी। लेकिन इस टीम को अब दूसरों पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि राजस्थान और चेन्नई के मुकाबले में अब ये टीम यहाँ पर चेन्नई की टीम को कम से कम यहाँ पर राजस्थान की टीम 50 रन से हरा दे तो और या फिर 14 से 15 ओवर में टारगेट चेज कर ले। इसके साथ ही मुंबई की टीम को दिल्ली कैपिटल्स को अपने आखिरी मुकाबले में हराना होगा, तभी ये टीम यहाँ पर नंबर 9 पर फिनिश कर पाएगी। अदरवाइज ये टीम आखिरी मुकाबला जीत कर भी नंबर 10 पर फिनिश करेगी। कुल मिलाकर राजस्थान चेन्नई के मुकाबले में यहाँ पर चेन्नई की टीम को राजस्थान की टीम 50 रन से हराएगी या फिर 14 से 15 ओवर में टारगेट चेज करेगी, तभी मुंबई की टीम यहाँ पर नंबर 10 की पोजीशंस को अवॉइड कर सकती है। तो कुल मिलाकर इस साल यहाँ पर मुंबई की टीम का भी नंबर 10 पर अब फिनिश करना पूरी तरीके से कन्फर्म लग रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है एक बार फिर से हैदराबाद की तरफ से। दरअसल हैदराबाद को यहाँ पर बड़ा झटका लगा। इस टीम के कप्तान केन विलियमसन यहाँ पर अपने चाइल्ड के बर्थ के कारण अब आईपीएल को छोड़कर अपनी कंट्री यहाँ पर वापस लौट चुके हैं। कुल मिलाकर ये न्यूजीलैंड वापस लौट चुके हैं। तो यहाँ पर केन विलियमसन कल हैदराबाद के बायो बबल से अब बाहर होकर न्यूजीलैंड वापस लौट चुके और आखिरी मुकाबले में अब मोस्ट लाइकली भुवनेश्वर कुमार इस टीम की कप्तानी करते हुए दिखेंगे। आखिरी मुकाबले में अब भुवनेश्वर कुमार इस टीम की कप्तानी करेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी में ये टीम यहाँ पर बड़े मार्जिन से मुकाबला जीतकर अपने आप को जीवित रख पाएगी या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती विराट कोहली की तरफ से। दरअसल विराट कोहली को यहाँ पर पाकिस्तानियों ने कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने के लिए इन्विटेशन दिया है। कुल मिलाकर पिछले साल कश्मीर प्रीमियर लीग का यहाँ पर फर्स्ट एडिशन हुआ था, इस साल कश्मीर प्रीमियर लीग का अब दूसरा एडिशन हो रहा है और विराट कोहली को दूसरे एडिशन में खेलने के लिए इन्विटेशन मिला है। हालांकि जितनी विराट कोहली को आईपीएल में एक मैच की फीस मिलती है उतने में तो शायद यहाँ पर केपीएल का आधा सीजन या फिर ऑलमोस्ट पूरा सीजन हो जाए। तो कुल मिलाकर विराट कोहली की तरफ से तो कन्फर्म है कि वो यहाँ पर आईपीएल को छोड़कर किसी भी लीग में नहीं खेलेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आज विराट कोहली का कैसा प्रदर्शन रहेगा, आज के मुकाबले में आपके अकॉर्डिंग विराट कोहली कितने रन स्कोर करेंगे। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।